तो 9:40 होने को आया, 1 घंटा क्रॉस हो गया है, अपनी ट्रेन कानपुर सेंट्रल से नहीं निकली है। ट्रेन आई हुई अपनी 2 घंटे से ज़्यादा लेट हो गए, 2 घंटा 10 मिनट लेट चल रही है ट्रेन। अच्छा 20 भाई हालत टाइट हो गया यार, इसमें जर्नी करते करते स्टॉप इतने सारे ऊपर से बैठे बैठे तो और पूरा थकान हो गया। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी, स्वागत करता हूं आप सभी का एक नई ट्रेन यात्रा पे। सो आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं ट्रेन नंबर 12420 जहाँ गोमती एक्सप्रेस में, जो कि नई दिल्ली से लखनऊ के बीच चलती है। अपना प्लान तो था आज का काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस का कवर करने, लेकिन कुछ कारण की वजह से अपनी ट्रेन जो है रद्द कर दी गई। मैं मोबाइल की स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। आज हमें मैसेज भी आया था कि अपनी ट्रेन जो है कैंसिल हो गई 10 तारीख की। सो हम अभी नई दिल्ली में हैं और हमें गोमती एक्सप्रेस में ट्रैवल करने का थोड़ा मन भी था, फिर सोचा कि गोमती एक्सप्रेस में ही ट्रैवल करते हैं। टिकट देखा तो दो वेटिंग थी तो कन्फर्म हो गई है, अपनी सीट भी मिल गई है। तो अभी नई दिल्ली के बाहर हूँ मैं, चलते हैं अंदर और प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे अपनी गोमती एक्सप्रेस खड़ी है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान लगभग 512 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करेगी 9 घंटे 10 मिनट में। हॉल्ट्स बहुत ज़्यादा हैं गोमती एक्सप्रेस के, सो मज़ा आने वाला है। चलिए चलते हैं, इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। और इस ट्रेन की जो पहली रन हुई थी, पहली सर्विस दी गई थी, वो दी गई थी 5 अप्रैल 1977 में। टाइम हो रहा है 11:50, 12:20 की अपनी ट्रेन है। चलते हैं स्टेशन के अंदर। ये न्यू ब्रिज है जो मेट्रो से कनेक्ट है। प्लेटफॉर्म नंबर 12 चलते हैं और ये लगी अपनी ट्रेन गोमती एक्सप्रेस। और ये आज अपना कोच D6 SS बोलने का आदत हो गया है। चलिए अंदर चलते हैं। आ चुका अपने सीट पे, ये अपना सीट है 30 नंबर। ऐसे तो बाकी नॉर्मली अपना इंटीरियर वगैरह है ट्रेन का। टाइम हो रहा है 12:21 और ट्रेन अपनी निकल चुकी है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। और सामने खड़ी है पूना नई दिल्ली जन शताब्दी एक्सप्रेस। देखिए तेजस एक्सप्रेस आ रही है जो कि लखनऊ से, आपको दिखाता हूँ, ये देखिए लखनऊ से तेजस एक्सप्रेस आ रही है। तो दोस्तों अभी अपनी ट्रेन निकल चुकी है, टाइमिंग इसके यहाँ से निकलने का 12:20 का और लखनऊ पहुँचाने का है लगभग रात के 9:30। और पहला इसका हॉल्ट है गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन।
सो गाजियाबाद पहुंच चुकी है ट्रेन अपनी, वो भी 4 मिनट लेट। सीट में तो कोई आया नहीं है फिलहाल, अपनी दोनों सीट खाली है। बाकी गाजियाबाद में भाई पूरी पूरी ट्रेन पैक हो गई है लग रहा। देखिए 3 बजने वाला है और अभी तक खुर्जा स्टेशन नहीं आया है, जो कि टाइम था 1:43 में। 3 बजने वाला है, 1.5 घंटे ट्रेन लेट हो चुकी है ऑलरेडी। रोटी खा रहा है तो खुर्जा में खड़ी है ट्रेन अपनी, 1.5 घंटे लेट है, 1.5 घंटे लेट। ये देखिए तो कोई ट्रेन शायद वहां से जा रही है। थकान होने लगी ट्रेन में बहुत ज़्यादा, बैठे बैठे थक गया पूरा। गेट पे भी इतनी भीड़ है ना, गेट पे भी नहीं जाया जा रहा और ट्रेन ठक 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 चल रही है। देखे
भाई हालत टाइट हो गया यार इसमें जर्नी करते करते, स्टॉप इतने सारे ऊपर से बैठे बैठे तो और पूरा थकान हो गया। अभी इटावा पहुंच चुके हैं, ट्रेन आई है 1.5 घंटे लेट, और भाई लास्ट जर्नी है इस ट्रेन में, दोबारा इस ट्रेन में जर्नी नहीं कर पाऊंगा। तो हम पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल और यहां पर अपनी ट्रेन पहुंचाई है 1 घंटा 20 मिनट लेट। और यहां बगल में देख सकते हैं तेजस एक्सप्रेस आई है जो कि नई दिल्ली में डिपार्ट कर रही थी लखनऊ के लिए। देखते हैं दोनों में से पहले किसे छोड़ा जाता है और पहले कौन पहुंचती है लखनऊ। भाई मैं बहुत थक भी गया हूँ इस ट्रेन में सफ़र करते करते, सही में बहुत ज़्यादा थक गया हूँ सही में। दोस्तों 8:35 में ट्रेन आई थी, 9:10 हो गया है, ट्रेन अभी लखनऊ अपनी सॉरी कानपुर सेंट्रल में ही खड़ी है अभी तक। क्या हो रहा है यार भाई, ये लास्ट जर्नी था, लास्ट इस घूमते एक्सप्रेस का, बहुत सही नहीं है ट्रेन। तो 9:40 होने को आया, 1 घंटा क्रॉस हो गया है, अपनी ट्रेन कानपुर सेंट्रल से नहीं निकली है, यहाँ से तेजस चली भी गई और यहाँ पर दरभंगा नई दिल्ली क्लोन एक्सप्रेस ट्रेन आ चुकी है जो कि हम सफ़र एक्सप्रेस है शायद, ये स्पेशल ट्रेन है, आप बताइए क्या किया जाए। यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी ट्रेन खड़ी है अपनी गोमती एक्सप्रेस, यार बहुत ही रॉस्ट जर्नी, बहुत ही रॉस्ट एक्सपीरियंस है ट्रेन का। फाइनली अपनी ट्रेन निकल चुकी है 1 घंटा 25 मिनट हॉल्ट के साथ, 1 घंटा 25 मिनट कानपुर सेंट्रल में रुकी है ट्रेन। भाई बहुत हो गया थकान बहुत है, मिलते हैं आपसे सीधा अपने डेस्टिनेशन में लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन। दोस्तों 12:20 हो गए पूरे 12 घंटा लेकिन ट्रेन का कुछ ज़्यादा पता नहीं है कब निकलेगी कब क्या, अभी कुछ पता नहीं कहाँ पर खड़ी है, देख रहे जंगल में खड़ी है, कुछ भी नहीं है सामने। बढ़िया ट्रेन है, मस्त ट्रेन है बहुत ही। सो गाइस वीडियो को एंड करते हैं, हम पहुंच गए हैं लखनऊ और मैं लखनऊ के रिटायरिंग रूम में यानी कि डॉर्मेट्री में हूँ लखनऊ जंक्शन के। हम लखनऊ चारबाग गए थे और लखनऊ जंक्शन के डॉर्मेट्री में हमें बहुत ही थकान हो रहा है, थोड़ा देर सोता हूँ मैं रात में और रात का 2:30 बजने को चला है, ट्रेन बहुत ही लेट हो गई थी और बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा मेरा। ट्रेन को मैं प्रेफर एकदम नहीं करूँगा लखनऊ आने के लिए नई दिल्ली से, अगर आप एंड टू एंड जर्नी करते हैं तो आपको बहुत सी लखनऊ की ट्रेन मिल जाएगी, लखनऊ मेल, लखनऊ एसी सुपरफास्ट और भी बहुत सी ट्रेन है लखनऊ आने के लिए, एंड टू एंड ट्रैवल के लिए इस ट्रेन को प्रेफर मत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेन जर्नी में, हाँ वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेन जर्नी में। थोड़ा सोता हूँ मैं क्योंकि अगली सुबह फिर से मेरी ट्रेन है, मेरे को जाना है बनारस, अब मेरे को जाना है बनारस, वहाँ से मेरी ट्रेन है। तो बाकी जो भी वीडियो आपके सामने आएगी इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा तभी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचेगी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेन जर्नी में, जब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।